लाहौर से खबर शामिल करते हैं। चीफ रिपोर्टर MS 18 न्यूज मलक मौज अली से। रॉयल आर्केड प्लाजा इलेक्शन 2021 में इत्तेहाद ग्रुप को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर ऑल पाकिस्तान अंजमन ताजरान, नई मीर ग्रुप, चुंगी कैंची, लियाकत आबाद बोर्ड के सदर मियाँ रियाज और जनरल सेक्रेटरी शबीर मकबूल की क्यादत में वफद ने नौ मुंतखब सरपरस्त आला हाजी जाहिद खान, चेयरमैन मलक मोहम्मद असलम, सदराना आमिर मंजूर, जनरल सेक्रेटरी अशरफ शाहीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर राना सफदर, सदर लियाकत आबाद मोहम्मद नसीर, जनरल सेक्रेटरी लियाकत आबाद यूसुफ रहमानी, सीनियर नायब सदर लियाकत आबाद मियाँ खालिद महमूद, सदर कच्चा जेल रोड हाजी बरकत अली, सदर दाता गंज बख्श बाजार डॉक्टर अब्दुल कदीर, जनरल सेक्रेटरी सदर हाजी शाकिर पाक अरब ताजर यूनियन, बिलाल गुजर, मियाँ साबर, मलक इमरान, हाजी इकबाल दरवेश चेयरमैन अस्करी पार्क यूनियन, आसिम सईद व दीगर ताजर रहनुमा भी मौजूद थे। मियाँ रियाज ने अपने खिताब में कहा, हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके मसाइल को मिलकर हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शबीर मकबूल ने अपने खिताब में तमाम नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। चुंगी अमर सद्दू लियाकत आबाद बोर्ड में शमूलियत की दावत दी। राना सफदर ने अपने खिताब में कहा, ताजरों की खिदमत हमारा अज़्म है, इंशाअल्लाह हर मुश्किल वक्त में हम अपने ताजर भाइयों के साथ हैं। नौमुंतखब सदर राना आमिर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, मिलकर ताजरों की खिदमत करने का अज़्म का इजहार किया। शबीर मकबूल, सेक्रेटरी इत्तला'आत वा नशरियात, ऑल पाकिस्तान अंजमन ताजरान, लाहौर, नई ग्रुप। हरनाई से मोहम्मद आरिफ तरीन। तहरीक इंसाफ BAP ज़िला हरनाई के अहदेदारान पर मुश्तमिल वफ ने कैस्को ऑपरेशन सब डिवीजन की ऑफिस हरनाई में कैस्को लोरालाई डिवीजन के AC से दौरा हरनाई के मौके पर मुलाकात की। इस मौके पर SDO कैस्को ऑपरेशन सब डिवीजन अताउला बंगलजई, वापडा हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन सैयद नदीम शाह व दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। वफद में BAP ज़िला हरनाई के सदर हाजी मलक गुलाम जान तरीन, तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर सदाम तरीन, BAP अरबंद के सदर नसरुल्ला शाह, तहरीक इंसाफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन शामिल थे, जिन्होंने AC कैस्को लोरालाई डिवीजन से हरनाई ग्रिड स्टेशन में मजीद फीटर्स का इजाफा करने, हरनाई में मुख्तलिफ इलाकों में लगे बिजली के और लोड ट्रांसफार्मर की जगह हाई फावर्स के बिजली ट्रांसफार्मर की तनसीब, यूनियन कौंसल सदर वन के लिए नए ट्रांसफार्मर और कम्भों की फराहमी के अलावा हरनाई शहर मोहल्ला गरीबाबाद के लिए 100 KV बिजली ट्रांसफार्मर, 1 अदद ट्राली बमा ट्रांसफार्मर की फराहमी का मुतालबा किया। AC कैस्को लोरालाई डिवीजन ने BAP और तहरीक इंसाफ के अहदेदारान को यकीन दिलाया, जो मसाइल बयान किए हैं वो जायज़ हैं, साथियों को सहूलियात की फराहमी इदारे की जिम्मेदारी है, तहम साथियों की जिम्मेदारी बनती है, वो बिजली बिलों की बर वक्त अदायगी, बिजली चोरी से इजतनाब करें, बिजली चोरी में मुलवी सार्फिन की निशानदही कैस्को के साथ ताउन करें, क्योंकि जब सार्फिन बर वक्त अपने ज़िम्मा कैस्को की वाजबात अदा करते हैं, बिजली चोरी ना हो तो कैस्को इन इलाकों में कम से कम लोड शेडिंग करेगी। वफ्द AC कैस्को को अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हरनाई से मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट। हरनाई के इलाके कली कासा में 29 अगस्त 2021 को रास्ते पर तनाज़े के 22 कौम बार बाजदानी और कौम चिश्ती के दरमियान होने वाली लड़ाई का तस्फिया किया गया। दोनों फरीकों ने एक दूसरे को फी सबीलिल्लाह माफ़ करके आपस में शेर व शक्र हो गए। कबायली मशीरान की जानिब से दोनों फरीकों को मुबारकबाद। हरनाई क्या के इलाका में कली कासम 29 अगस्त 2021 को रास्ते के तनाज़े पर कौमी बाजदानी और कौम चिश्ती के बंदों के दरमियान रास्ते के तनाज़े पर पत्थर और डंडों की लड़ाई हुई। इसमें दोनों तरफ से 10 बंदे जख्मी हुए थे, जिनका कबायली रस्म व रवाज के मुताबिक कबायली मोताबरीन वलमाए कराम ने दोनों फरीकैन के दरमियान फैसला कर दिया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। चीफ रिपोर्टर MS 18 न्यूज़ मलक मौज अली से। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हुक्म पर शहरी का प्लाट पागुजार हसन सुबहानी नामी शहरी का सुंदर रेजिडेंस सोसाइटी में प्लाट था। सोसाइटी इंतजामिया ने
प्लाट का कब्जा, ना प्लाट के पैसे वापस किए। सोसाइटी इंतजामिया ने प्लाट महंगे दामों किसी दूसरी पार्टी को फरोख्त कर दिया। शहरी हसन सुभानी ने CCPO ऑफिस एंटी कब्जा सेल में दरख्वास्त दी। CCPO लाहौर के हुक्म पर फौरी कार्रवाई, शहरी को 15 लाख की पहली किस्त मिल गई। प्लाट की रकम वापस मिलने पर शहरी का CCPO लाहौर से इजहार तशक्कुर। लाहौर पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ की जामन है, किसी भी गुंडा अनासिर और समाज दुश्मन अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं है। ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी रमज़ान सदीक भट्टी MPF नान सेक्रेटरी लाहौर की सेक्टर A1 टाउनशिप में सदर अंजमन ताजरान मैकलोड रोड जावेद भट्टी की रिहाइशगाह आमद। जावेद भट्टी के वालिद की वफात पर फातह खान इस मौका पर आना सलीम, वाइस चेयरमैन अंजमन ताजरान शबीर मुगल, सेक्टर इतलात व नशरियात लाहौर यासर भट्टी, मियाँ सुहेल अकबर शाह दीगर मौजूद थे। शबीर मुगल सेक्टर इतलात व नशरियात ऑल पाकिस्तान अंजमन ताजरान लाहौर नई मीर ग्रुप। Thank you.